ओए मिल्खा सिंह जी जितते क्यों थे, वो रेस में तेज नहीं थे, वो भागते तेज नहीं थे, उनके पास गोल था, उनके पास गोल था, उनके अंदर एक फितूर सवार हो गया था। ओए मुझे दूध का गिलास चाहिए, मुझे दूध का गिलास चाहिए था, उनके अंदर ये फितूर चढ़ गया था, मुझे दूध का गिलास चाहिए, तो किसी भी हाल में चाहिए। दूध मिलेगा पहली बार मिल्खा सिंह जी क्यों जीते, इसलिए नहीं जीते क्योंकि वो भागते तेज थे, इसलिए जीते कि उनको दूध का गिलास चाहिए था। दूध 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 कोच बोला उनसे, ओए फटिक माफ हो जाएगी और एक्स्ट्रा डाइट का बड़ा गिलास दूध का मिलेगा। भाग नहीं पा रहे थे वो, नीचे जमीन पर गिर गए। दोस्त बोला उनसे, ओए भाग, दूध मिलेगा दूध। फिर क्या था, मिल्खा सिंह जी इस कदर उठे कि आखिरी लंबी सांस जीतने के बाद ही लिए। आप समझ पा रहे हैं इस बात को, आखिरी लंबी सांस जीतने के बाद ही लिए वो। मिल्खा सिंह जी को किसी भी चीज का फितूर सवार हो जाता था, जी हाँ किसी भी चीज का फितूर चढ़ जाता था उन्हें। और दूसरी बार वो इसलिए नहीं जीते कि उनको रैंक नंबर 1 पे आना था, वो इसलिए जीते, ओए इंडिया की जैकेट पहननी है, जैकेट तो पहनूंगा। गोल देखो, वो एक गोल बना लिए, इंडिया की जैकेट तो इंडिया की जैकेट, इंडिया की जैकेट, ओए मैं इंडिया की जैकेट पहनूंगा तो पहनूंगा। थप्पड़ खाई इस चक्कर में, बजती सही इस चक्कर में, बाद में कई लोगों ने उनको पीटा भी और घाव हो गए। तुमने मना किया रेस में मत भाग, मगर इंडिया की जैकेट, इंडिया की जैकेट, इंडिया की जैकेट की पड़ी थी उन्हें। दिमाग में फितूर सवार हो गया था इंडिया की जैकेट की, इसलिए वो मिल्खा सिंह जी थे। आप में भी वो मिल्खा सिंह जी है, अगर आप एक गोल बना लेते हो, एक फोकस बना लेते हो, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए तो चाहिए किसी भी हाल में चाहिए। बिल गेट्स जी कहते हैं, ओए मैं इसलिए बिल गेट्स नहीं हूँ क्योंकि मैं फोकस ही बहुत कम चीजों पे करता था। फोकस कम चीजों पे, ओए ये क्या बात हुई। हाँ फोकस कम चीजों पे मतलब बहुत कम चीजों पे फोकस करते थे, आपका गोल बहुत ज्यादा चीज होते हैं। अरे मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे बहुत कुछ कमाना है। अरे सब पर से फोकस हटा दो, सब चीजों पर से फोकस हटा दो और एक चीज पे फोकस करो, एक गोल बना लो, एक लक्ष्य बना लो, आप बहुत जल्दी सफल हो पाओगे, आप बिल गेट्स से भी बड़ा बिल गेट्स बन सकते हो। जी हाँ मैंने इस वीडियो में करोड़ों की बात कह दी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना तो भूलिएगा मत। आपके एक शेयर से लाखों करोड़ों आदमी का फायदा हो सकता है, तो आपका एक शेयर किसी का भविष्य भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।